भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर नियमों को सरल बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इस कड़ी में कंपनी कानून में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में टैक्स व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टैक्स व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को भी आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है। जीएसटी के लागू होने से एक देश एक टैक्स एक बाजार की सोच साकार हुई है। जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने उनके लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। अब जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और खुदरा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति भी बनाई जाएगी। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। रोजगार सृजन में इस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। छोटे उद्यमियों के व्यापार में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को ऋण लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज का दायरा 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्मसम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं। मेरी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की अपनी कड़ी नीति को और व्यापक तथा प्रभावी बनाएगी। सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही ह्यूमन इंटरफेस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति से भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में 4,25,000 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया और 3,50,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में फ्यूजिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब हमें 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इनमें से 80 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज करने का भी समझौता हुआ है। जिन लोगों ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सब की जानकारी प्राप्त हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के लेन देन को रोकने और ग्राहकों के हित की रक्षा में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत राहत मिल रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है। इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है। इस कोड ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया हुआ कर्ज न चुकाने की प्रवृत्ति
पर भी अंकुश लगाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आज 400 से अधिक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 7,30,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। DBT की वजह से अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए। आने वाले समय में DBT का और विस्तार किया जाएगा। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि वे भी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं में DBT का इस्तेमाल करें। माननीय सदस्यगण, समृद्ध भारत के निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरी सरकार का सतत प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इको फ्रेंडली हो। हाईवे और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं में कंक्रीट के साथ हरियाली का भी समावेश किया जाए। बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया जा रहा है। घरों और उद्योगों से निकले वेस्ट का उपयोग भी सड़क निर्माण में हो रहा है। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में शहरीकरण की गति और व्यापकता निरंतर बढ़ेगी। शहरों और उपनगरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेरी सरकार आधुनिक भारत के लिए देश के गांव से लेकर शहरों तक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने पर खास जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हमारे देशवासियों का जीवन आसान बनाने के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ पर्यटन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जैविक खेती का प्रसार बढ़े, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है। साथ ही सागरमाला परियोजना के द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार हाईवे के साथ साथ रेलवे, एयरवे और इनलैंड वाटरवे के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आज की जरूरतों के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ ही शहरों में प्रदूषण की समस्या के समाधान पर भी बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार एक ऐसी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का निर्माण कर रही है जिसमें गति और सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अनेक शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाई जा रही है। सीमलेस मोबिलिटी के सपने को सच करने के लिए वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इसी तरह प्रदूषण रहित यातायात के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शहरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम तेजी से हो रहा है। गैस ग्रिड और हाईवे जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। PNG आधारित घरेलू ईंधन और CNG आधारित यातायात व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक भारत में बायोफ्यूल के निर्माण पर हमारा विशेष जोर है। 2014 से पहले देश में 67 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। इस साल लगभग 270 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग निर्धारित है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ने से हमारे किसानों को लाभ होगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। हाल ही में जगह जगह से गंगा में जलीय जीवन के लौटने के जो प्रमाण मिले हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। इस वर्ष प्रयागराज में अर्धकुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता और श्रद्धालुओं को मिली सुविधा की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है।
मेरी सरकार ने अर्धकुंभ के सफल आयोजन में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित करके उनका आत्मगौरव बढ़ाया। मेरी सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेजी लाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए। वन, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मेरी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। हाल के वर्षों में वन और वृक्ष आवरण विस्तार में 1% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। पिछले 5 साल में देश के संरक्षित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है। वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो अब बढ़कर 868 हो गई है। वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए देश के 102 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के सक्रिय प्रयासों से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ है। इस संगठन के माध्यम से दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में भारत अहम योगदान कर रहा है। माननीय सदस्य का सामान्य आदमी के जीवन को बेहतर बनाने, आपदाओं की पूर्व सूचना देने, प्राकृतिक संपदाओं को चिन्हित करने, संचार माध्यमों को सिग्नल उपलब्ध कराने से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की केंद्रीय भूमिका है। मेरी सरकार का प्रयास है कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। सड़कें हों, गरीबों का घर हो, खेती हो, मछुआरों के लिए उपयोगी उपकरण हों, ऐसी अनेक सुविधाओं को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की सहायता से जल, थल और नभ में हमारी सुरक्षा और भी मजबूत हुई है। मौसम का सटीक पूर्व अनुमान करने की हमारी विशेषज्ञता बढ़ी है। इसका प्रमाण हाल ही में देश के पूर्वी तट पर आए फणी चक्रवात के दौरान देखने को मिला। समय पर सही जानकारी और तैयारी के कारण बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा करने में देश को सफलता मिली है। अंतरिक्ष में छुपे रहस्यों को जानने और समझने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 2 के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा। वर्ष 2022 तक भारत के अपने गगनयान में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, हालांकि उसकी चर्चा उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की क्षमता और देश की सुरक्षा तैयारियों में नया आयाम जोड़ा है। इसके लिए आज मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को फिर से बधाई देता हूँ। सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। इस पर ध्यान देते हुए स्पेस, साइबर और स्पेशल फोर्सेस के लिए 3 ज्वाइंट सर्विस एजेंसियों के गठन पर काम चल रहा है। इन साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। माननीय सदस्यगण, नया भारत विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है तथा अन्य देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। माननीय सदस्यगण, 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के भारत के प्रस्ताव को विश्व समुदाय ने व्यापक और उत्साहपूर्ण समर्थन दिया। इस समय विश्व के अनेक देशों में बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके सबसे महत्वपूर्ण आयोजन
कल 21 जून को किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हो, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा, हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट की नीति दक्षिण एशिया एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की हमारी सोच का प्रमाण है। इस वर्ष इस पूरे क्षेत्र की प्रगति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, किर्गिस्तान और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासन अध्यक्षों का शामिल होना इसी सोच को दर्शाता है। मेरी सरकार विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है। आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है। पासपोर्ट से लेकर वीजा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है। भारत के दर्शन, संस्कृति और उपलब्धियों को मेरी सरकार के प्रयासों से विश्व में एक विशिष्ट पहचान मिली है। इस वर्ष दुनिया भर में आयोजित हो रहे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों से भारत की थॉट लीडरशिप को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के कार्यक्रमों से भी भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। नया भारत संवेदनशील भी होगा और आर्थिक रूप से समृद्ध भी, लेकिन इसके लिए देश का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे देश के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही आजीविका के अवसरों पर भी भारी दबाव अनुभव किया जा रहा है। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को और सशक्त किया जाएगा। सरकार जहां घुसपैठियों की पहचान कर रही है, वहीं आस्था के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए परिवारों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को उचित संरक्षण देते हुए नागरिकता कानून में संशोधन का प्रयास किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयास कर रही है। वहां पर स्थानीय निकायों के शांतिपूर्ण चुनाव और हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से हमारे इन प्रयासों को बल मिला है। मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आवश्यक हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने पर भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इस दिशा में पिछले 5 वर्ष में काफ़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर घट रहा है। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में
विकास के कार्यक्रमों में और तेजी लाई जाएगी, जिससे वहां रहने वाले आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। निकट भविष्य में ही भारत को पहला रफाल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक अस्त्र शस्त्र बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आधुनिक राइफल से लेकर तोप, टैंक और लड़ाकू जहाज तक भारत में बनाने की नीति को सफलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस मिशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सैनिकों और शहीदों का सम्मान करने से सैनिकों में आत्मगौरव और उत्साह बढ़ता है तथा हमारी सैन्य क्षमता मजबूत होती है। इसीलिए सैनिकों और उनके परिवारजनों का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज़ादी के 7 दशक के बाद मेरी सरकार द्वारा दिल्ली में इंडिया गेट के समीप बनाया गया नेशनल वार मेमोरियल शहीदों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है। इसी तरह देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले हमारे पुलिस बल के जवानों की स्मृति में मेरी सरकार ने नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया है। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र निर्माण के पथ पर इतिहास से मिली प्रेरणा भविष्य का हमारा मार्ग और प्रशस्त करती है। इसके लिए राष्ट्र निर्माताओं की स्मृति को कृतज्ञतापूर्वक संजोना भी हमारा दायित्व है। पिछले 5 वर्षों में देश में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं। पूज्य बापू और ऐतिहासिक दांडी मार्च के सम्मान में दांडी म्यूजियम का निर्माण किया गया है। लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के अन्य सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली के लाल किले में क्रांति मंदिर का निर्माण किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली के 26 अलीपुर रोड को नेशनल मेमोरियल का स्वरूप दिया गया। देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देते हुए दिल्ली में एक म्यूजियम का निर्माण भी किया जा रहा है। मेरी सरकार सरदार पटेल की प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नेशनल एम्बिशंस और रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना जरूरी है। इसके लिए संवाद और सहयोग की हर संभावना को प्रोत्साहित किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना पर चल रही मेरी सरकार का प्रयास है कि भारत की प्रगति यात्रा में कोई भी देशवासी छूटने न पाए। माननीय सदस्यगण, भारत को लंबे समय तक गुलामी के दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन उस पूरे दौर में देश में कहीं न कहीं भारतवासी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे थे। आज़ादी की चाहत और उसके लिए बलिदान देने की ललक कभी कमजोर नहीं पड़ी। स्वाधीनता की इसी ललक ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का रूप लिया। तब पूरे देश ने यह तय किया था कि आज़ादी हासिल करनी ही है और उस प्रयास में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने हैं। उस समय हर देशवासी जो कुछ भी कर रहा था वो स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देने की भावना से कर रहा था। इसी जनभावना की शक्ति से हमने 1947 में आज़ादी हासिल की थी। आज हम सब एक बार फिर इतिहास रचने के मोड़ पर खड़े हैं। हम नव युग के सूत्रपात के लिए एक नया आंदोलन छेड़ने को तत्पर हैं। हमारे आज के संकल्प ये तय करेंगे कि वर्ष 2047 में
जब हम अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तब हमारे देश का स्वरूप क्या होगा। आज हमारे देश के पास स्वतंत्रता के बाद के लगभग 72 वर्ष की यात्रा के संचित अनुभव हैं। उन अनुभवों से सीख लेते हुए ही देश आगे बढ़ रहा है। हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाएं तब नए भारत की हमारी परिकल्पना साकार रूप ले चुकी होगी। इस प्रकार आज़ादी के 75वें साल के नए भारत में किसान की आय दुगनी होगी, हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी, हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा, हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा, हर गरीब की पहुंच में मेडिकल सुविधाएं होंगी, देश का हर गांव सड़क संपर्क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी, राज्यों के सहयोग से हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के निकट होंगे, हम विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होंगे, भारतीय संसाधनों के बल पर कोई देशवासी अंतरिक्ष में तिरंगा लगाएगा और हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे। माननीय सदस्यगण, जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया जाए तो सरकार की योजनाओं को देशवासी जन आंदोलन का रूप दे देते हैं। बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का यही तरीका है। इसी मार्ग पर चलने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान ने जन आंदोलनों का रूप प्राप्त किया। जन भागीदारी की इस शक्ति से हम नए भारत के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का मानना है कि सभी राजनीतिक दल, सभी राज्य और 130 करोड़ देशवासी भारत के समग्र और त्वरित विकास के लिए एकमत है। हमारे जीवंत लोकतंत्र में पर्याप्त परिपक्वता आ गई है। पिछले कुछ दशकों के दौरान देश के किसी न किसी हिस्से में प्रायः कोई न कोई चुनाव आयोजित होते रहने से विकास की गति और निरंतरता प्रभावित होती रही है। हमारे देशवासियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर अपना स्पष्ट निर्णय व्यक्त करके विवेक और समझदारी का प्रदर्शन किया है। आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक साथ चुनाव की व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप विकास व जन कल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। अतः मैं सभी सांसदों का आह्वान करता हूं कि वे एक राष्ट्र एक साथ चुनाव के विकास उन्मुख प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। माननीय सदस्यगण, इसी वर्ष हमारे संविधान को अंगीकृत जाने के 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। सांसद रूप में आप सभी ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली है। हम सभी के लिए संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि देश के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान सम्मत तरीके ही उपयोग में लाने चाहिए। हमारा संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा एवं लोकसभा के आप सभी सदस्यगण सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हुए संविधान के दर्शनों को प्राप्त करने में अपना योगदान देंगे। इस प्रकार आप सभी नए भारत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। जनप्रतिनिधि तथा देश के नागरिक के तौर हम सभी को अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी, तभी देशवासियों को हम नागरिक कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा दे पाएंगे। आप सभी सांसदों को मेरा सुझाव है कि आप गांधी जी के मूल मंत्रों को हमेशा याद रखिए। गांधी जी ने कहा था
कि हमारा हर फैसला इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। आप भी उस मतदाता को याद रखिए जो अपना सब कुछ, सब काम छोड़कर तमाम कठिनाइयों के बीच वोट देने के लिए निकला, पोलिंग बूथ तक गया और मतदान करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उसकी आकांक्षाओं को पूरा करना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आप सभी से आगामी 5 वर्षों के दौरान भारत के नवनिर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने तथा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का आह्वान करते हुए आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।